सेंधमारी की पूरी तैयारी है। निर्दलियों के अलावा बीजेपी के पार्षदों को भी साथ लाने की कवायद जारी है ताकि ग्रेटर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बन सके। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पार्षदों के साथ बैठक की है और मोर्चा संभाल रखा है। ग्रेटर निगम में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और कल ही निगम में महापौर का चुनाव भी होना है। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने पार्षदों की अलग अलग होटल्स में बाड़ेबंदी कर रखी है। दोनों ही पार्टियों में क्रॉस वोटिंग को लेकर भी डर बना हुआ है, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है। भाजपा 2019 में बहुमत होने के बावजूद अपना मेयर नहीं बना सकी थी। अपनों से झटका खाने के बाद भाजपा इस बार सतर्क नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस नगर निगम ग्रेटर में मेयर प्रत्याशी को लेकर भाजपा नेताओं के बीच चल रही अंतर कलह को भुनाने में जुटी है। हेरिटेज के साथ ग्रेटर में अपना मेयर बनाने का दावा कर रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस के 47 पार्षदों के साथ 8 निर्दलीय भी हमारे साथ है, यानी कि हमारे पास कुल 55 का जादुई आंकड़ा है। हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे 8 निर्दलीय साथी भी जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के ही थे, जो हवामहल विधानसभा क्षेत्र जहाँ से महेश जी आते हैं, वहाँ से किशन पोल अमीन कागजी साहब आते हैं, रफीक भाई जहाँ से आदर्श नगर से आते हैं, वो जो निर्दलीय साथी हैं वो भी यहाँ पर। और बड़ी खुशी की बात यह कि ये वो निर्दलीय साथी है कांग्रेस पृष्ठभूमि परिवार के, जिन्होंने बिना मांगे उस दिन जब हमारे घर पर मीटिंग थी उस दिन ये सब चलकर आए और पहले ही दिन ये साबित कर दिया कि कांग्रेस का जयपुर में बोर्ड बनना तय। उधर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने सभी पार्षदों के एकजुट होने की बात कही। जोशी ने कहा कि हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बनेगा, कोशिश रहेगी ग्रेटर में भी मेयर कांग्रेस का ही बने, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि भाजपा पार्षद ग्रेटर निगम में अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनेंगे और बाहरी उम्मीदवार के पक्ष में भाजपा पार्षद वोट नहीं करेंगे। वहीं मुस्लिम प्रत्याशी की मांग के विरोध पर एमएलए अमीन कागजी ने कहा कि सभी लोगों ने मिलकर मुनेश गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मेयर प्रत्याशी तय हुआ है। हम हेरिटेज का चुनाव जीतेंगे, हमारे सारे पार्षद यहाँ मौजूद हैं, सारे पार्षद एकजुट हैं, निर्णय हमने एकजुट होकर लिया है, बिना किसी धार्मिक जातिगत भेदभाव के हमने निर्णय लिया है, जो हमारे पार्षदों की मंशा थी उसके तहत निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी मजहब धर्म जाति में विभाजन नहीं करती। हमने जब ये कैंडिडेट फाइनल करने की बात आई तो हमारे पास निसंदेह 4 लोगों की लिस्ट थी। हमने व्यापक चर्चा करी, पार्षदों से डिस्कशन करा, उसके बावजूद हमने सारी डिस्कशन को लेकर एक आदमी पे हम कंसेंसस बना पाए और उसकी हमने घोषणा करी। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नगर निगमों में अपना अपना मेयर कुर्सी पर बिठाने का भले ही दावा कर रही है, लेकिन ग्रेटर में भाजपा के पास बहुमत है, लेकिन हेरिटेज में दोनों ही पार्टियों के पास बहुमत नहीं है। दोनों ही पार्टियों के लिए निर्दलीय सहारा है। कौन मेयर की कुर्सी पर काबिज होता है, किसे शहरी सरकार का मुखिया बनने का मौका मिलता है, पूरी तस्वीर 10 नवम्बर को साफ हो जाएगी।